तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन के डायलर में अपना फ़ोटो या अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोटो या किसी और का फ़ोटो सेट करना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से आप ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारा स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि आप अपने फ़ोन के डायलर में अपना फ़ोटो या अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोटो या किसी और का फ़ोटो जो है किस तरीके से सेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन के डायलर बॉक्स में अपना फ़ोटो या अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोटो सेट करना, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको जो है सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने फोन के डायलर में फोटो जो है सेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी जाकर आपको जो है सब कुछ जो समझ में आ जाएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही इजी तरीके से समझने की ट्राई करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते ताकि मेरी आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जो कर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप जो है प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद यहां पर आपको ऊपर जो है सर्च बार मिलता है, सर्च बार में यहाँ पर टाइप सर्च करना है माई फोटो फोन डायलर। यहाँ पर आपको सर्च कर देना माई फोटो फोन डायलर, सर्च करते ही यहाँ पर जो भी पहला वाला एप्लीकेशन आ जाएगा उसको आपको डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड देखिए यहाँ पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए 4.1 स्टार रेटिंग है और यहाँ पर 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। तो यहाँ इसको जो है आपको जो है इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपल से ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद जो भी ये सेटिंग बोलेगा आपको जो है इसको अलाउ कर देना है। अलाउ सब करेंगे तो भी जाकर ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं सब कुछ जो है अलाउ कर देता हूँ। अलाउ कर लेने के बाद क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सब कुछ अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आ जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऐड आएगा। ऐड को आपको जो है क्या करना है स्किप कर देना है, देख लेने के बाद स्किप कर देना है। ऐड को स्किप कर देने के बाद यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है डायलर का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर कॉलर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको डायलर का ऑप्शन पर क्लिक करना है। डायलर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टम बैकग्राउंड हेयर का ऑप्शन दिखाई देता है, तो इस पर आपको एक बार टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डायलर का जो की है वो इधर इधर मूव हो रहा है, तो यहाँ पर हमको जो इसको जो एक जगह ही स्टे करके रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देखिए नीचे आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कीपैड इफेक्ट को जो है आपको कम कर देना है। कम करने के लिए यहाँ पर ब्लैक वाला जो है यहाँ पर कीपैड आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है स्पीड का इसको आपको कम कर देना है और यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन को जो है आपको फुल कर देना है। फुल कर देने से क्या होगा कि आपका जो ये की है वो इधर इधर मूव नहीं होगा, बिल्कुल एक जगह स्टे रहेगा। तो यहाँ पर फुल कर देने के बाद आपको जो है अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद एक ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप कर देना है। स्किप कर देने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो है की है वो स्टे होकर रह गया और यहाँ पर हमको जो है बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाने के पड़ेगा। तो फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है पिक इमेज का आपको एक ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पिक इमेज पर अगर आप जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए आपको खाली बॉक्स दिखाई देगा और यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर पिक इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल से आपको पिक इमेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक बार अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद आपका फ़ोन में जितना भी फोटो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है एक फ़ोटो जो है चूज कर लेना है। ये वाला फ़ोटो को मैं चूज कर लेता हूँ, इसको जो है मैं अपने फ़ोन के डायलर में जो है बैकग्राउंड में लगा के आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को अभी तक अपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर आपको जो है क्रॉप करके कुछ इस तरीके से इसको जो है सेट करना है अपने हिसाब से और फिर आपको जो है लगाने के लिए मेन चीज़ क्या करना है, यहाँ पर आपको
नीचे जो है अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे ऐड को स्किप कर देंगे तो यहाँ पर हमारे जो सक्सेसफुल हमारा जो फोटो है वो सक्सेसफुली डायलॉग बॉक्स में लग गया है। तो यहाँ पर आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा डायलॉग में जो है फोटो जो है लग गया है बिल्कुल ईजी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी जो है डायलॉग का की जो है काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डायलॉग की जो है काम नहीं कर रहा है, इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो ये है कि आपको इसको जो है रिफ्रेश कर देना है, एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश कर देने के बाद आपको फिर से फ़ोन डायलर को ओपन कर लेना है। फ़ोन डायलर को ओपन करते ही यहाँ पर आपको जो भी फेवरेट कॉन्टैक्ट जो है शो होगा। यहाँ पर कोई भी हमारा फेवरेट कॉन्टैक्ट नहीं है इसलिए हमारा शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको डायलर पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए जो है डायलर ओपन हो गया। और यहाँ पर आपको जो भी नंबर जो है यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो भी की टाइप करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो एक बार रिफ्रेश कर देना है, उसके बाद ही जो है वही उसके बाद जो है कि जो है काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के डायलॉग में जो है अपना फोटो या अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो या किसी और का फोटो जो है लगा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आप इसी स्टेप को फॉलो करना तभी जाकर आपका फ़ोन के डायलॉग में जो है फोटो सेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर से मिलते हैं हमने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।